होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि रत्नम ब्लॉग। ओके, तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, बहुत सुबह का टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। पीछे बाहर देख रहे होंगे सुबह का टाइम है, और मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करके, क्लीनिंग वगैरह करके, नहा वहा करके किचन में आ गई हूँ। मैं नाश्ता बनाने हस्बैंड को, थोड़ा आज ऑफिस जल्दी निकलना है, तो मैं फटाफट से सारा काम, उधर का काम निपटा के मैं किचन में आ गई हूँ खाना नाश्ता बनाने। और नाश्ता में आज मैं भिंडी की भाजी और इधर ये दोनों बन भी गया है, तो और सिंपल प्लेन रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल प्लेन रोटी, कोई पराठे वगैरह नहीं, और विथ चाय। चाय तो हो गई एज यूजुअल, चाय के बिना तो होगा नहीं। तो ब्रेकफास्ट में बस यही है, और आज बहुत ज़्यादा मैं हड़बड़ी में हूँ। हस्बैंड को जल्दी ऑफिस निकलना है, वो नहा लिए हैं, रेडी होकर के बैठे, उनको जल्दी से ऑफिस निकलना है, तो फटाफट से मैं पहले नाश्ता बना लूँ, उनको खिला दूँ, ऑफिस भेज दूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खेल रही थी, मुझे आने नहीं दे रहा था। अभी मैं जबरदस्ती आई हूँ किचन में, तो मेरे साथ आया ही है, मुझे पकड़ के रखा है, मुझे आने नहीं दे रहा था। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सुबह का जो ब्रेकफास्ट बनाई थी ना, वो सब बर्तन वगैरह सब अभी पड़ा हुआ है, मैं क्लीन नहीं की, तब से तो मैं रूम में ही हूँ इसको लेकर के। और मैं अभी बर्तन वगैरह क्लीन करके और फटाफट से आज खाना बना लूँगी, लंच बना लूँगी। लंच में मैं ये काले चने जो होते हैं ना, मैं रात को ही भिगोने डाल दी थी, तो आज मैं यही बनाऊँगी लंच में, इसकी सब्जी एंड दाल राइस जो होता है लंच में वही करूँगी, और बहुत फटाफट से लंच बनाऊँगी, बिकॉज आज मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है। लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को बताई थी ना कि ग्रॉसरी लेने गई थी, बट मुझे अभी जाना है। हाँ बच्चा मेरा, तो लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैं ग्रॉसरी लेने गई हूँ, बट इसकी वजह से हो नहीं पाया, वापस आ गए थे हम लोग, बिकॉज बच्चे अलाउ नहीं थे। तो मम्मा टीवी ऑन है, टीवी ऑन है, जाइए आप बंद कर दीजिए, आराम से जाइएगा। बेचारा, इसको लग रहा है ना कि मैं जाऊंगी ग्रॉसरी लेने तो इसको लेकर के नहीं जाऊंगी, या फिर मैं जाऊंगी नहीं, इसलिए वो जैसे ही ग्रॉसरी वर्ड बोली बोला मुझे भी जाना है। पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है घर में रह के इतने महीनों से, मतलब बाहर निकलते ही नहीं हम लोग। अगर बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम होता है जो मेरे बिना नहीं हो पाता है, तो मैं निकलती हूँ, और तो ही मेरे साथ ही जाता है, बस काम करके वापस, जो नॉर्मल होता है पहले जैसा वो सब तो नहीं है अभी। बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जैसे ही अभी ग्रॉसरी का सुना ना, तब बहुत ज़्यादा मुझे भी जाना है। तो लास्ट टाइम पे मैं बोली थी ना कि गई थी, बट हो नहीं पाया, तो फिर भी कोई नहीं, लास्ट टाइम पे तो उसके पहले वाले मंथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान लाई थी, और थोड़ा बहुत मैं बाहर से ले ली थी मंथ एंड में, तो लास्ट टाइम तो हो गया, बट इस महीने में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, मतलब नया मंथ आ गया तो ग्रॉसरी तो लेना ही है, और लास्ट टाइम पे नहीं गई थी, इस वजह से बहुत सारा सामान ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सारा सामान खत्म हो गया, और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है खाना बनाने में। आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो मेरे जैसे होंगे हाउसवाइफ, उनको पता होगा कि किचन का सामान जब खत्म हो जाता है ना, ऑप्शन ही नहीं मिलता, समझ नहीं आता क्या बनाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मुझे एनी हाउ जाना है, और वही प्रॉब्लम है ना कि बाबू का क्या करूँगी, मतलब हस्बैंड को मैं लिख के दे दूँगी, कितना भी बोल के दे दूँगी, समझा के दे दूँगी, एक एक सामान का नाम लिख दूँ, बट फिर भी उनसे नहीं होगा, मतलब इम्पॉसिबल है। मैं बोली थी, बट ग्रॉसरी का
शॉपिंग जो होता है और नॉर्मल जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है ना। ग्रॉसरी पूरा एक महीने का शॉपिंग उनसे नहीं हो पाएगा, मतलब इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा उनसे। और तो मुझे इन्हीं हो जाना ही होगा। अगर मैं जाती हूँ तो फिर बाबू 100% डेफिनेटली जाएगा ही, मेरे बिना तो मतलब मैं जाऊँगी तो वो जाएगा ही। बहुत मुश्किल है अब। बहुत पहले ना जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट बार गई थी, कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं बाबू को लेके गई थी। जैसे हमेशा से इतने सालों से जाती हूँ तो वैसे ही लेके गई थी उसको, बट पता नहीं था ना कि बच्चे अलाउ नहीं है। तो जाने के बाद पता चला कि वो अलाउ नहीं है। तो बाहर वहाँ पे बहुत अच्छा जगह है बैठने का, काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था ना इसलिए पता नहीं था, तो काफ़ी सारे बच्चे थे। तो मैं बाबू को फ़ोन दे दी थी और हर 5 मिनट पे मैं उसको कॉल करके पूछती रहती थी। और वहाँ पे लोग भी होते हैं, वहाँ के लोग, तो बहुत सेफ्टी से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और 5 मिनट के लिए हस्बैंड मेरे साथ अंदर गए थे, उसके बाद फिर बाबू के साथ ही थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब मैं इस बार क्या करूँगी, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन मंगवा लो ग्रोफर्स से, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया। मैं बोली थी उनको, बट उनको पसंद नहीं आया बिकॉज इतने सालों से आदत हो गई ना देख देख के लेने का, मतलब पूरा एक महीने का सामान देख देख के लेने का आदत सी हो गई है। तो उनको पसंद नहीं आया, बोले कि नहीं जाके ही लेंगे, अगर ज़्यादा मुश्किल होती है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बाबू को लेके बाहर रहूँगा, आप ले आइएगा, और नहीं तो फिर बिग बाजार चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिग बाजार में बच्चे अलाउ है, बिग बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए चलिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी देखा ना आप लोगों ने, जैसे ही मैं ग्रॉसरी का नाम ली वो बोला मामा मुझे भी जाना है। उसको लग रहा है शायद मैं उसको नहीं लेके जाऊँगी, उसकी वजह से ही लास्ट टाइम पे नहीं हो पाया था। चलिए फटाफट से वही पहले वाला ऑप्शन करूँगी, बाहर बैठा दूँगी हस्बैंड के साथ और मैं खुद जल्दी से जा करके ले आऊँगी। अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है नहीं। हस्बैंड अगर ले आते तो अच्छा होता, बट नहीं हो पाएगा उनसे, सबसे सब कुछ तो नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए मुझे जाना ही होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। और वो ऑफिस गए हैं, बोल के गए हैं कि 4:15 तक जल्दी से खाना वाना बना करके रेडी हो जाइएगा, नहीं तो अगर आज जाना है तो, नहीं तो फिर देर हो जाती है वहाँ पे, 2-3 घंटे लग जाते हैं बिलिंग वगैरह में, तो टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए मैं फटाफट से जल्दी से, आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी है। सुबह को भी मैं बहुत सुबह से ही मैं किचन में थी और उनको थोड़ा जल्दी जाना था, तो सुबह को भी बहुत हड़बड़ी में थी, जल्दी जल्दी से खाना बनाई और अभी भी जल्दी से मैं लंच बनाऊँगी। 3-4 बजे तक मुझे सारा कुछ डन करना पड़ेगा, किचन का काम से फ्री होना होगा, फिर मैं जाऊँगी ग्रोसरी लाने, आते आते शाम रात, फिर आने के बाद डिनर वगैरह। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा बिजी है आज का दिन। चलिए कोई नहीं, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। और खाना मैं बहुत स्टेप बाई स्टेप शेयर नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैं कितना भी एडिट करती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कोई नहीं, चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद जब मैं मेट्रो जाऊँगी उस टाइम पर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी कितना 4:45 होने वाला है और खुद बोले थे कि 4 बजे रेडी होके रहिएगा एनी हाउ, और हम लोग तो रेडी हो गए थे, बाबू भी पूरा रेडी है और वो अभी आए हैं ऑफिस से। चलिए बहुत टाइम हो गया है, जा रही हूँ मैं मेट्रो और देखती हूँ जाने के बाद पता चलेगा वहाँ का क्या सिचुएशन है। और ये तो चलिए हम लोग निकलते हैं, आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हम लोग आ गए हैं अभी घर में और
आने के बाद सबसे पहले तीनों लोग अच्छे से फ्रेश हो गए हैं, नहा लिए हैं, और बस सारा जो सामान सब लाई हूँ वो सब वैसे ही पैक ही है। बस वो जो फ्रीज वाला चीज़ सब होता है, दूध दही वगैरह, वो सब निकाल के फ्रीज में रखे, और बाद बाकी सब वैसे ही पैक है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई आज मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से ही ना आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा, आज का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और वहाँ मेट्रो में ना बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है, इसलिए जब भी मेट्रो जाती हूँ ना तो थक जाती हूँ। घर में रह के कितना भी काम कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर जाना पड़ता है ना तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और अभी इस सिचुएशन में बाहर जाने का बहुत ज़्यादा एवरी डे तो आदत भी नहीं है ना, इसीलिए चलिए कोई नहीं। और वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज वही सेम सिचुएशन, बच्चे अंदर अलाउ नहीं थे, छोटे बच्चे, तो बड़े बच्चे 11 साल के बाद का था बट छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे, तो ये दोनों बाहर थे और मैं ही गई थी अंदर, तो अकेले मतलब सामान लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, तो मैं रिकॉर्ड क्या करती। और वैसे भी थोड़ा सा ना अजीब लगता ना रिकॉर्ड करे, इतने सारे लोग हैं, सब लोग देखते ना क्या कर रही है, इसलिए मैं वहाँ पे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और हो गया मेरा सब, बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब मैं अब एक महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। किचन का ग्रॉसरी का सामान जब ख़त्म हो जाता है ना तो हेडेक रहता है, कि घर में रहता है तो फ्री रहते हैं, तो आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, फाइनली मेरा ग्रॉसरी आ गया है, फाइनली आज ये काम हो गया मेरा, तो चलिए। और मैं वही सोच रही थी अभी वीडियो का एंड, वही सब कुछ रख रही थी, मेन काम तो होता है ना सामान लाने के बाद फिर रखने का होता है, सामान तो ले आओ फिर सबका अलग अलग रखना पड़ता है, मेन काम तो वो लगता है, तो वही सब मैं अभी करने जा रही थी, फिर सोची चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई ना, तो डिनर बनाना बाकी है, अभी जब मैं किचन में जाऊँगी ना तो सबसे पहले चाय बनाऊँगी, मुझे चाय की बहुत ज़्यादा नीड है अभी, तो चलिए पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, किचन में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, डिनर पहले बना लेती हूँ और उसके बाद सामान सब रखूँगी, ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर अभी नहीं लूँगी, आराम से रखूँगी। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:55 हो रहे हैं, और हम लोग गए कब थे, 5 बजे गए थे, 5:00 के कुछ मिनट में गए थे, 5 बजे के थोड़ी देर बाद गए थे, और अभी 9 बज रहे हैं, तो आधा घंटा हो गया हम लोग आए हुए, तो कितना टाइम लग गया, तीन साढ़े तीन घंटे हो गए ना, ऐसे ही होता है, मैं बोली थी ना कि लग जाते हैं 3-4 घंटे बिलिंग वगैरह में, बहुत टाइम लगता है, चलिए कोई नहीं, हो गया है आज फाइनली, तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड आप लोग को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।